तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 24 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड ट्रैवल कर रहा था तो वीडियो बना ही नहीं पाया। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे एक्साइटिंग और मेजर अपडेट्स है पूरी मार्वल मूवीज और सीरीज को लेकर। तो अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ शीएल के क्रिएटर और हेड राइटर जेसिका ग्याव ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो कॉमिक बुक से बहुत सारे कैरेक्टर्स को शीएल की सीरीज में दिखाना चाहती थी, बट या तो फिर कैरेक्टर राइट इश्यू के चलते या फिर मार्वल के डिसीजन के चलते वो ऐसा नहीं कर पाई। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि एमसीयू से एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सारे राइटर्स इस सीरीज में दिखाना चाहते थे और वो था स्पाइडरमैन। इसी के साथ जब एक इंटरव्यू में शीएल के डायरेक्टर कैट से पूछा गया कि एमसीयू से वो किस कैरेक्टर को शीएल सीरीज में दिखाना चाहेंगी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वो जेसिका जोन्स के कैरेक्टर को इस सीरीज में देखना पसंद करेगी। लेट्स सी हम जेसिका जोन्स के कैरेक्टर को फ्यूचर की किस मार्वल की मूवी या फिर सीरीज में देख पाते हैं। अगली अपडेट है लोकी सीजन 2 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर दिन इसके सेट से नई इमेजेस और वीडियोस लीक होती रहती है, तो अभी कुछ और इमेजेस और एक वीडियो लीक हुई है। मैं जल्दी पार कर दे रहा हूं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। आगे मैडम वेब मूवी से बहुत सारी मेजर कास्टिंग अपडेट्स है, जहां ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस मूवी में सिडनी स्वीनी जूलिया कारपेंटर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जहाँ ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में सेकंड स्पाइडर वुमन और सेकंड मैडम वेब होती है। साथ ही सिलेस्टी ओकॉनर को मैटी फ्रैंकलिन और इजाबेल मर्सेड को अनाया कोराजोन के रोल में कास्ट कर लिया गया है। इसी के साथ द कॉमिक सर्कस के रिपोर्ट के मुताबिक इमा रॉबर्ट मैडम वेब मूवी में पीटर पार्कर की माँ मैरी पार्कर और एडम स्कॉट पीटर पार्कर के अंकल बेन के कैरेक्टर्स में हमें दिखने वाले हैं। आगे बढ़े तो एक इंटरव्यू में एरन टेलर जॉनसन ने बताया है कि जब डेडपुल 2 मूवी की कास्टिंग चल रही थी तब डेविड लिंच की तरफ से उनको डेडपुल 2 का रोल ऑफर किया गया था जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो कौन सा रोल था, बट हाँ एक्सेप्ट कर लेते तो हम उनको डेडपुल 2 मूवी में जरूर देख पाते। नेक्स्ट बात करें तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी से ब्लैक पैंथर जो इस मूवी में पहली बार अपीयर हुआ था उसके कुछ नए हॉट टॉयज इमेजेस सामने आई है, जिसमें हम उनके सूट का नया लुक देख सकते हैं जो मूवी में यूज नहीं किया गया। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। आगे आए तो मार्वल आर्टिस्ट सुंग चौ ने अपने इंस्टाग्राम पर थॉर लव एंड थंडर मूवी से ऑमनीपोटेंट सिटी के थ्रोन की कुछ इमेजेस शेयर की है, जिसमें हमें एक्समैन के कैरेक्टर का एक रेफरेंस मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस इमेज में हमें सिटोरॉक का अपीयरेंस देखने को मिलने वाला था। आगे बात करें तो हल्क का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर मार्क रफेलो ने एक इंटरव्यू के दौरान स्टार वॉर्स और मार्वल का कंपैरिजन किया है, जहां उन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई स्टार वॉर्स की कोई मूवी या फिर सीरीज देखते हो तो वो बहुत हद तक एक जैसी लगती है, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर और एनिमेशन होता है, बट मार्वल की मूवीज और सीरीज में ऑडियंस को हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है जिससे ऑडियंस को ये पसंद आता है। आपको इनके स्टेटमेंट पर क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली अपडेट है थॉर लव एंड थंडर मूवी से, जहां एल्सा पैटकी जो कि क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ है उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके थॉर लव एंड थंडर मूवी के एक सीन की एक स्टिल इमेज शेयर की है, जिसके आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे बढ़े तो डिज्नी ने आई एम ग्रूट सीरीज से कुछ पोस्टर्स ऑफिशियली रिलीज किए हैं और उसके साथ ही ये सीरीज अभी डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है, जिनके एपिसोड्स की लेंथ इंक्लूडिंग इंट्रो और क्रेडिट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स की है। आगे बात करें तो ब्लेड मूवी के लिए ब्लैक पैंथर मूवी की ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर रूथि कार्टर को हायर किया गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी ब्लेड मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ वकांडा फॉरएवर मूवी में नेमोर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर टेनर्च यूरेटा ने कंफर्म किया है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद इस मूवी के रिशूट्स हो रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो एवेंजर्स एंडगेम मूवी से कैप्टन अमेरिका के कुछ हॉट टॉयज फिगर ऑफिशियली रिलीज किए गए हैं और दिखने में ये काफी सही लग रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। यही पे आते हैं आयन हार्ट सीरीज पे, जहाँ इसकी शूटिंग शिकागो में चल रही है। यही पर इसके कुछ फोटो सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके सेट से फोटो लीक ना हो इसलिए इसके सेट पर कास्ट एंड क्रू रिफ्लेक्टिव अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं। फिर भी इसके सेट से रिली विलियम्स के आयन हार्ट और विलियन द हुड के कुछ इमेजेस लीक हुई है, जिसमें हम रिली विलियम्स के सूट का शॉट ऑफ आयरन मैन और वॉर मशीन के सूट का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इसी के साथ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस सीरीज में हमें अगाथा हार्कनेस द हुड के मेंटर के रूप में नजर आ सकती है। आगे आते हैं डिज्नी प्लस के इको सीरीज पे, जहाँ इसके सेट से किंग पिन के कैरेक्टर को कुछ इमेजेस लीक हुई है, जिसके आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यही पे
आए थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे, जहाँ के इंटरव्यू में ग्रूट को आवाज देने वाले एक्टर विन डीजल ने कहा था कि वॉल्यूम 3 में ऑडियंस को अल्फा ग्रूट वर्जन देखने को मिलने वाला है। तो इसी पर अभी इसके डायरेक्टर जेम्स गन ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनको इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं है। शायद विन डीजल बोलना चाहते होंगे कि इस मूवी में हमें अब तक का मोस्ट ऑसम ग्रूट वर्जन देखने को मिलने वाला है। जेम्स गन की ये बात कुछ हजम नहीं हुई, शायद यहाँ पर डाल में कुछ काला है। आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम 3 में हमें अल्फा ग्रूट वर्जन देखने को मिलेगा कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करें तो मार्वल के डिज्नी प्लस सीरीज से अलग अलग कैरेक्टर्स के टॉयमर्स सामने आया है। मैं जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही अपडेट थी मार्वल मूवीज और सीरीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।